केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है मालूम पड़ेगा 14-13 तारीख को। तो हमारा मानना है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के जो नीति बना रही है, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने अपने व्यूज, उसके बाद में एक ऐसी व्यूज बनना चाहिए जिससे कि, क्योंकि अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग बनी हुई है, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा किन राज्यों में कितने पेशेंट है वहां पर। अभी आज हमारे यहाँ करीब 40 जगह कर्फ्यू लगे हुए हैं, हमने जो भी कोई पेशेंट मिलता है, 1 मिलो या 2 मिलो या 3 मिलो, हम लोग उसके 2 किलोमीटर के एरिया में कर्फ्यू लगा देते हैं। तो कर्फ्यू आधारित नीति भी हमारी चल रही है मुकाबला करने के लिए, और उसमें बहुत कामयाब है। जैसे झुंझुनू के अंदर 6 पेशेंट आ गए थे, इमिजिएटली हमने पूरे एरिया को कॉर्डन करके वहां कर्फ्यू लगा दिया, और उसके कारण से आगे नहीं बढ़ पाया मामला। इस प्रकार से अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग बनी हुई है, तो सब राज्यों को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होगी, आज भी हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री की होम मिनिस्ट्री की हो या सरकार की हो, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। पर साथ में हम लोग अपने सुझाव भी देते हैं, साथ में हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें, जैसे पहले हमने, सबसे पहले हम लोगों ने लॉगआउट किया था देश के अंदर, उसी रूप में हम अपना फैसला खुद करें जिससे कि हमारी स्थिति क्या, उसमें लोगों को तकलीफ भी नहीं हो। आज काम धंधे बंद पड़े, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सरकार की रेवेन्यू का लॉस सही है, तो लोग मजदूर कहाँ जाएंगे, उनकी मजदूरी का क्या होगा, लोग भूखे के लिए सोएंगे। तो तमाम बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, पर हमने उसका मुकाबला अच्छे ढंग से किया है। हम चाहेंगे कि उसके बाद में जो स्थिति बने उसको इस रूप में खोला जाए जिससे लोगों को तकलीफ भी नहीं हो और बाबा लगाना भी नहीं पड़े, ये हमारी सोच है।